वेलकम टू office.com.pk। लास्ट वीडियो में हमने थ्री ब्रांचेस स्टडी की थी बायोलॉजी की, आज हम स्टडी करेंगे दो ब्रांचेस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक हो गया मॉर्फोलॉजी। अब मैं आपको पहले मॉर्फोलॉजी का बताऊंगी। मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, डिफरेंट मैमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, और भी एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी, कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे ह्यूमन बींग्स का है कि किस तरह से बने हैं, द स्टडी ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो हम मॉर्फोलॉजी के ग्रुप में स्टडी करेंगे। अब एनाटॉमी नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है। मॉर्फोलॉजी तो आउटर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपने कभी देखे होंगे ऑपरेशंस, आप लोगों में वैसे मतलब काफ़ी बच्चों को डॉक्टर बनने का शौक होगा। आगे MBBS की फील्ड में एनाटॉमी एक अलग से सब्जेक्ट है, जिसमें हम सारे इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे हार्ट के फंक्शंस, स्टमक के फंक्शंस, इंटेस्टाइन एंड लीवर वगैरह, इन सब के फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। इन सब की स्टडी को एनाटॉमी के अंदर डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया, तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि किस तरह से हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत वैस्ट फील्ड हैं बायोलॉजी की। इस वीडियो में हमने ये दो ब्रांचेस स्टडी की हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टू या थ्री ब्रांचेस स्टडी करेंगे।